असीम रियाज ने बिग बॉस के घर जाने से कर दिया है मना। कहते हैं वो कि सलमान खान के बिना शो है अधूरा। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट और रनर अप हम सभी जानते हैं असीम रियाज जो है वो अब सीजन 14 के लिए उनको बहुत सी बार इनवाइट मिली थी पर हमेशा उन्होंने मना कर दिया है। हाल ही में जो वीकेंड का वार हुआ था जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, काम्या पंजाबी, टीना दत्ता ऐसे कई सारे लोग आए थे जो एक्स कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं बिग बॉस के, पर असीम रियाज को इनवाइट करने के बाद भी वो नहीं आए थे। उन्होंने रीज़न ये बता दिया कि आखिरकार भाईजान नहीं है, सलमान खान के बिना बिग बॉस तो अधूरा है। अब उसके बाद इससे पहले भी जब असीम को बुलाया गया था बिग बॉस में, तब भी असीम ने यही कहा था कि 140 दिन का सफ़र तय करना फिर एक बार उनके लिए आसान नहीं होगा और अब वो उस स्थिति में नहीं है मानसिक तौर पर कि वो बिग बॉस के उस घर से 140 दिन का सफ़र तय कर पाए। वो कहते हैं कि सीज़न 13 में जो जो हुआ है मेरे साथ वहाँ से मैं सिर्फ अब रिकवर कर रहा हूँ और फिर एक बार सीज़न 14 में जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि वो बाद में कभी अगर उनको मौका मिला तो वो ज़रूर आएंगे सीज़न 14 में। अब सिर्फ और सिर्फ असीम का इंतज़ार है सभी फैंस को, क्योंकि बाकी एक्स कंटेस्टेंट्स तो वैसे आ गए हैं जैसे शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला, इन सभी ने तो अपनी एक एक झलक तो दिखा दी है। अब ये देखना है आखिरकार असीम जब सीनियर बनकर आएंगे तो वो अपने कौन से एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और क्या राय देंगे बाकी सदस्यों को। आपकी क्या राय है और आप कितने एक्साइटेड है असीम को बिग बॉस के स्टेज पर फिर एक बार देखने के लिए, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।